यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को अचानक लाशों की कतार लग गई। पूरे हाथरस में मौत का मातम छा गया। यह सब हुआ एक सत्संग में। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। ना डरो ना मंत्री, ऐसी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। CMO साहब अभी तक आए नहीं है, बहुत सारी मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण सरकार हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मंगलवार को भगदड़ मचने से 122 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। 150 से ज्यादा लोग घायल है। सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में चल रहा था। इसमें करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। हादसे के बाद घायलों को टेम्पो और बसों से हाथरस के अस्पताल लाया गया। घायलों के कईयों की हालात गंभीर थी, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सुबह 11 से 1 बजे तक भोले बाबा ने पहले सत्संग सुनाया, फिर उनके चरणों की धूल लेने के लिए होड़ मच गई। भगदड़ मची तो एक दूसरे को रोनने लगे। देखते ही देखते 122 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो कुछ सिर्फ नाम के लिए अस्पताल पहुंचे। जो अस्पताल पहुंचे उनका दर्द तो और भी खतरनाक था, क्योंकि 150 लोगों का इलाज करने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर था। लोग तड़प रहे थे लेकिन उनका हाल लेने वाला कोई नहीं था। अपनों की जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों का कहना है कि 2 घंटे बीत जाने के बाद जो जिंदा थे वो भी मर गए। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ न ही ऑक्सीजन सिलेंडर था और न ही ड्रिप लगाने वाले थे। परिजनों का कहना है कि हम लोग खींच खींच कर लोगों को वहां पर लेके आए, उनकी सांसें चल रही थी। हम लोग डॉक्टर का इंतजार करते रहे लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से इलाज नहीं मिल पाया और जान चली गई। जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो सही खत्म हो रही है। ना डरो ना मंत्री, ऐसी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। CMO साहब अभी तक आए नहीं है, दो सारी मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं। अस्पताल के बाहर और बरामदे में घायलों की सांसें टूट गई। लोगों ने दम तोड़ दिया अस्पताल के बाहर ही। लेकिन इसी बीच एक सवाल और उठता है कि क्या इसमें प्रशासन की गलती नहीं थी? जिन्होंने सत्संग में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ की पूरी व्यवस्था बाबा के वॉलंटियर्स पर छोड़ दी, क्या वाकई इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है? वॉलंटियर्स इतनी बड़ी भीड़ नहीं संभाल पाए जिसके कारण इतना बड़ा भयानक हादसा हो गया। वहीं लोगों के मुताबिक खेत में सत्संग था, हाईवे के किनारे नीचे गड्ढे थे, खेत जुता हुआ था, पानी की वजह से कीचड़ हो गया था, इस वजह से लोग वहां से भाग नहीं पाए और भगदड़ के कारण लोग एक दूसरे पर गिर गए और लोगों की जान चली गई। वहीं एक शख्स का कहना है कि डॉक्टर से जब मौत का आंकड़ा पूछा गया तो वह बता नहीं पाया, इसके बाद खुद लाशों को गिनने लगा। CSC के अंदर और बाहर एक एक कर 30 मिनट में 95 लाशें गिन गई। लाशों को छूकर देखा कि कहीं जिंदा तो नहीं, किसी का सिर कुचला हुआ था तो किसी का चेहरा खून से लाल था। ये सब देख आंखों में उसके आंसू आ गए। किसी तरह खुद को संभाला और मृतकों की काउंटिंग कर लखनऊ के हेड ऑफिस को रिपोर्ट पहुंचाई।
घटनास्थल पर चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। करीब एक घंटे बाद अधिकारियों का आना शुरू हुआ। सीएससी से तीन घंटे बाद इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का सिलसिला शुरू किया गया। वहां मौजूद हर किसी की आंख में आंसू थे, लाश से लिपटकर परिजन रो रहे थे। वहीं इस हादसे को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। अखिलेश ने कहा है कि यह बहुत दर्दनाक हादसा है, जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई है उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है कि सरकार की लापरवाही है, ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी ना हो। जब कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस लापरवाही से जो जाने गई है उसकी जिम्मेदार सरकार है। कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, न ऑक्सीजन, न दवाई, न इलाज मिल पाया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है। ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों ने? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी? रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम योगी हाथरस पहुंच गए हैं, उन्होंने अफसरों से मीटिंग की है, फिर हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे। सीएम घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार हाथरस की घटना की पूरी तरह से जांच की जा रही है, ये हादसा है या साजिश इसकी भी जांच कराई जाएगी। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना यह बहुत ही दुख की बात है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति भूलते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान किस प्रकार की भगदड़ कहां मस्ती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। हाथरस हादसे में पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की बात कही है। पीएम ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं हाथरस हादसे पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। राहुल ने कहा है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रियजनों को खोया है। हाथरस में बड़ी ट्रेजेडी हुई है, सबको कंडोलेंसेस देता हूं। बहुत दुख का समय है, सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। सेंसिटिव और सब परिवारों को जिन्होंने किसको खोया मैं कंडोलेंस करता। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद से अंडरग्राउंड हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि वे हादसे के बाद मैनपुरी के कस्बा बिछुआ स्थित निजी प्रवास रामकुटीर आश्रम पर पहुंच चुका था। मीडिया ने मिलने की कोशिश की तो उनके अनुयायियों ने उनको रोक दिया। आश्रम के बाहर फोर्स तैनात है। सीओ सुनील कुमार ने भी साकार हरि के आश्रम होने से इनकार कर दिया है। वहीं एटा में मेडिकल कॉलेज में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश उम्र 30 साल को हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे मेडिकल कॉलेज आपात ड्यूटी पर बुलाया गया था। इतनी लाश देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर सका। सिपाही मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला था। इसके साथ ही भोले बाबा अपने समागम में दावा करता है कि 18 साल की नौकरी के बाद 19 के दशक में उसने
वीआरएस ले लिया था। उसे नहीं मालूम था कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वह कहता है, मैं खुद कहीं नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाने आते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करता रहता है। इस समय कई आईएएस आईपीएस अफसर उसके चेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं, शादियां भी करवाई जाती है। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि ऐसा पानी, इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती है। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगाया जाता है। यह आश्रम के बाहर एक हड़कंप भी है। दरबार के दौरान इस हड़कंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइनें लगती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान सेवादार ही संभालते हैं। सेवादार देश से आने वाले श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। बाबा का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है। यूट्यूब में 31,000 सब्सक्राइबर है। फेसबुक पेज पर भी ज्यादा फॉलोअर्स है। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहाँ पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है, बाकी सब अज्ञात है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी यानी कि भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद बाबा अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। मैनपुरी में बाबा के आश्रम पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर अभी भी पुलिस बल तैनात है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले को गहरी चोट पहुंचाई है। सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से हुआ यह हादसे ने गाँव फुलरई को अंधकार में छोड़ दिया है। 122 लोगों की दुखद मौत और 150 से अधिक घायल। इस विपदा पर हर कोई गहरा शोक व्यक्त कर रहा है। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। इस दुखद परिस्थिति की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या इस हादसे में पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने नहीं आ रही है? घायलों को इलाज नहीं मिला? ऐसे बहुत से सवाल लगातार इस मामले को लेकर उठते ही जा रहे हैं। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी या ये हादसा भी कुछ समय बाद भुला दिया जाएगा? फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।